राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो कल हमने यहाँ पे पार्ट टू का एंड किया था और यहीं से अगला जो पार्ट है वो स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो वेलकम होता है, मतलब जो रिबन कटाई, नीम झराई, जो आरता है वो होगा और जो जयमाला है वो होगी। ठीक है, तो जो रिबन है वो कटवा दिया है और अब जो जयमाला है वो भी मैंने डाल दी है। तो पहले जो पैसों की माला है वो डाली जाती है और फिर ये जो दूसरी माला होती है वो डाली जाती है। तो यहाँ पे मैंने माला डाल दी है और अब यहाँ पे मास्टर जी ने भी डाल दी है। और ये देखो ऊपर कितना बड़ा ये जुड़ा कर रखा था ये देख देख के ये लग रहा है अभी की जरूरत थी इसकी, इतनी मतलब ये बिल्कुल उपराने कर रखा है। और बस ईब जो मास्टर जी का काम है वो हो गया, मतलब हमारा काम हो गया है। ईब ज्योति और जो रूपचंद है वो डाल देंगे माला और उसके बाद फिर जो मतलब आरता होया करे वो आरता होगा। आई शेरे पसेरे पसेरे डाई शेरे पसेरे अमन बुलाए लांबे लांबे अमन बुलाए लांबे लांबे ओछे ओछे आएरी पसेरे पसेरे डाई शेरे पसेरे अमन बुलाए बूरे बूरे अमन बुलाए बूरे बूरे काले काले आएरी पसेरे डाई शेरे पसेरे अमन बुलाए पठ्याले अमन बुलाए पठ्याले गंजे गंजे आएरी पसेरे डाई शेरे पसेरे अमन बुलाए आख्याले अमन बुलाए आख्याले काने काने आएरी पसेरे डाई शेरे पसेरे अमन बुलाए नकाले अमन बुलाए नकाले नकटे नकटे आएरी पसेरे डाई शेरे पसेरे तो यहाँ पे जो रिबन काटना था, नीम जारना था और जो जयमाला थी वो ओगी है और ई बस जो मेणिया करें बटे उन्हें वो चल रहा है। तो कविता ने ये मेण दिए थे और डिंपल ने जो रूपचंद है वो मेण दिया था। तो बस ई अपने मेण किए और फिर चलेंगे फिर यहाँ पे। थोड़ा यू बटन भी खोल लिया करें बटे का, यू भी कोई सोन हुआ है और बस इवाड़ा फिर यहाँ पे बैठ गए हैं। बंदड़ कीड़े बेलोगना दोड़ी मोख दना बंदड़ कीड़े बेलोगना मारी मोख मोख बंदड़ कीड़े बेकलोग मारी मोख मोख बंदड़ कीड़े बेकलोग पटड़ी पटड़ी मूसी जा बंदड़ की बेरूसी जा पटड़ी पटड़ी मूसी जा बंदड़ की बेरूसी जा उसना पकड़ के लावांगे मारे काड़ू कर दावांगे उसना पकड़ के लावांगे मारे कालू के ब्यावांगे लंबी की कर बकल देना सारे बराती अकल देना लंबी की कर बकल देना सारे बरा। तो भाई नवलाने मिले को नहीं थे फिर हम, तो हमने सोचा कि चलो हम दिवा दें और ये देखो स्वाति रंजली कितनी छोटी छोटी सी है सब। और ईब भाई मैं आ गई हूँ, माता बना रखी हूँ पूरी, मतलब ईब तो ना इसने वैसे गढ़ में डाला है पूरा स्टैंडर्ड है। और उस टाइम देखो कुकर लपेट रखे मतलब पूरा चुगर नू बना रखी, मतलब बंदे ने दिखे भी नहीं आगे भाई यहाँ कड़ा बैठना है कड़ा की करना है ना करना।
और कमेंट आ रहे थे कल की वीडियो पे कि बेबी उस टाइम पे तो सारे बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों हुआ है ना 4-5 साल बाद या 8-10 साल बाद हमने नू लगने लग जाए कि ना हमने सही नहीं करा, नू करना था नू करना था। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल जायज है आपकी बात, क्योंकि उस टाइम पर तो हमने भी ये चीज़ अजीब को नहीं लागन थी, लेकिन ईब लागन लागी क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है इसलिए। और मेरे पास 2-3 जनिया के फोन भी आए, मतलब जो हमारी से एल्बम मतलब वीडियो में है कि वे देखिए कितने बुंडे लागा, हाँ अजीब से लागा है, नहीं हुए थे आप तो पागल पागल से मतलब सारे नुए मकाए पागल ना थे, जब भी ठीक थे, परीब गणेश आने हो गया पागल लगा लो तो यह बात हो रही है। क्योंकि पहनने ओढ़ने में भी फर्क पड़ जाए आदमी का, उस टाइम पे किसी और चीज का फैशन था, आज किसी और चीज का फैशन है। ई वाले लहंगे देख के नू लगा कि भैया की में लहंगे थे तो उस टाइम पे ये बेस्ट होया कर दे, उस टाइम पे मैं ऊंचे ऊंचे सूटी से सूत्रे लगया कर दे, नीचे ने भी कट कट के ऊंचे रहा कर दे, लेकिन ई थोड़ा सा ऊंचा हो वो भी नहीं पहरा जाता, बिल्कुल नीचे पह रहे हैं। और ये सूट कई साल पहले मतलब जब हम छोटे छोटे नहीं था तो अपनी मौसी मामिया की फोटो देखा हम, तो उस टाइम पे पहरा करती मतलब बिल्कुल नीचे नीचे सूट और जो भीड़े पूछे की सलवार है वो। और ईब कितने साल पाछे फेरी भी हो फैशन आ रहा, बीच में ऊंचा का आ गया था, फिर नीचा का आ गया, फिर ऊंचा का आ जाएगा, तो यूँ चलता रहा है। और इसी के अनुसार हमने नू लागे है भाई, जो कर शादी में सारी ऊंचे ऊंचे सूट पहरे दिखे ना तो मतलब अच्छा सा को नहीं लगता हमने देखने में, तो वो इसी रीजन तो हुआ है क्योंकि टाइम बदलता रहा है, टाइम के साथ फैशन बदलता रहा है। और ये है भाई मारे भाई, तो यो एक मन्नू है मौसी का लड़का जो कविता है उसका भाई, और यो अमित है, कितना छोटा सा था अमित जब +1 में था शायद, यो जब हमारी शादी हुई थी +1 में ही था, तो ये बस बैठे हैं। और ये कविता देखो भाई, हमारी शादी में ना इतने हम नहीं रोए थे, इतनी यार रोई थी क्योंकि मारा तो फिर भी नू था भाई, शादी थी वो रे उसमें वो रवा थे, इसने बेचारी ने सब मनाने भी पड़े थे, कोई रुस्से था कोई मना था, कोई इसने किम्मे कवा था कोई किम्मे कवा था, क्योंकि करनी है इन्हें क्या करें, यह बात सच्ची हुआ है। और मारी ब्याह में सारा जो बर्डन था ना वो उसके ऊपर था, लेना देना करना, कोई चीज़ रखनी कोई किसी तक देनी, कोई किमें बोल रहा तो उससे जवाब देना, तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा रुआई थी हमारे ब्याह में, बहुत ज्यादा मुंह भी देख सको आप, फिर भी इसका मुंह किसा हो रहा था। और ईवीए आ रहा है, डिम्पल खड़ी है, डिम्पल का सारा शबनम मतलब मैडम थी स्कूल में, और यमीना मैडम है सिंगवड़त है, शबनम डाकल है, तो शबनम भी लोग देखा करा है। और बस हमारा कनेक्शन ना टूट गया था शादी के बाद, क्योंकि इसकी शादी में इसने मतलब फ़ोन तो करा था मेरे पास, लेकिन उस टाइम पे ना आराध्या थी, मतलब कि 8वां महीना चल रहा था मेरा, तो 8वें महीने में कहीं जो आया नहीं करते, तो इस करके मैं इसकी शादी में जा नहीं पाई थी। और फिर बस हमारा इसकी भी शादी होगी मेरी भी होगी तो अपने उसमें उलझ गए और बिल्कुल कनेक्शन टूट गया था। लेकिन फिर इसने व्लॉग देखा और व्लॉग में फिर कमेंट करा, कमेंट में हमने नंबर शेयर करे एक दूसरे थे, और ई हमारी जो बातचीत है वो मतलब ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन हाँ कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाए, क्योंकि सब बिजी हो जाए अपनी लाइफ में, इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास। और बाकी सारा जो स्टाफ है वो भी आ रहा था लेकिन वो फेरे होने से पहले चले गए थे, और ये जो 2 मैडम है वो रह गई थी, और बहुत अच्छा स्टाफ था भी, बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना तो मतलब मेरा मन कहीं भी नहीं लगा होगा जितना उस स्कूल में लगा था। और शादी तो 15 दिन पहले मैंने स्कूल छोड़ा था क्योंकि 1 जनवरी की हमारी शादी थी, और 16-17 दिसंबर ने मैंने जो स्कूल है वो छोड़ा था, वो भी जमा सब नू लागे थे कहन भाई तैयारी करनी है नू करना, या भी मेरी स्टूडेंट है ज्योति बहुत ज़्यादा वो दिखाया कर दी, या लड़की या यानी पूरी क्लास दिखाया कर दी, लेकिन यह तो शादी के बाद भी कई बार मेरे तो मिलन आई है, कई बार मैं जाया कर दी ना सी सर तो तभी मिलन आया कर दी। तो ई वाड़ा जो फेरे हैं वो होने शुरू हो गए हैं, मतलब जो चक्कर काटा करें हमें, और जब मारे फेरे हुए थे जब तो ज्योति और थे उन पर जो चादर है वो ढक दी थी, और जब ज्योति और के हुए जब मारे पर चादर ढक दी थी तो उसका बाद में रीजन पूछा भाई ऐसा क्यों था, तो कि भाई मतलब इकट्ठे जैसे जो है ना जिनकी शादी हुई है उनने मतलब फेरे देखने नहीं चाहिए दूसरे के, तो इस करके। और बस इब अपने जो फेरे हैं वो शुरू हो गए हैं। और यो गाना सुन के मेरे याद आ गई, और पहले भी मैंने मतलब सोची है भाई पूछने की, जब मैं 2-4 बारी शादी में गई हूँ तब मेरा याद आई कि भाई ये जो पंडित वचन भरवाया करें ना फेरे पे ये किस किस का याद है, तो
तो मेरा तो कोई भी वचन याद नहीं है अगर मैं सच्ची अपनी बताऊं तो, क्योंकि मैंने ना दिमाग पर बहुत जोर डाल लिया, बहुत जोर डाले भी पंडित ने के वचन बरवाए थे क्योंकि मेरा तो कुछ भी ध्यान नहीं, मेरा सिर्फ एक वचन याद है और वो भी मास्टर दिया गया है, मेरा नहीं है कि भाई आप जो भी करोगे इनसे पूछ करके करोगे और ये तो कह करे कि तो बड़ी सियाणी अपना तो एक भी नहीं याद रहा करिए, मेरा याद रहा करिए। तो फेरे मारे हो गए हैं और ये भी जो चादर हवा मारे तो उड़ा दी है क्योंकि ज्योति और के फेरे होंगे तो इन हमारे फेरे नहीं देखे थे और हमने इनके नहीं देखे थे, और चादर उड़ाने का जो मेन मतलब मकसद था वो यही था। तो ये जो ज्योति और के फेरे हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। लाडो चढ़िए गगन में तेरी ये सुगंध, लाडो चढ़िए गगन में बंदड़े की ओ मकराई, लाडो दन में बंदड़े की ओ मकराई, लाडो दन में आ गया पिया तेरे सुबह की घड़ी मैं, आ गया गया पिया तेरे सुबह की घड़ी मैं, बटगी मैठाई सुसरे की नगरी मैं, बटगी मैठाई सुसरे की नगरी मैं, ले मेरी लाडो तीजा। हो गए हैं और फिर वहीं पीछे ये जो टोपी के फूल हैं वो उतार के मतलब यहीं पे रखा करें, और ये शायद माँ की जोड़ी में गाल्या करें, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये अमित पे करवाया था। तो यहाँ पे बस फिर वहीं पीछे सब ने जो खाना है वो खाना शुरू कर दिया है, और ये सुमन के हस्बैंड है मेरे नंदोड़ी हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब सब सराया करें इन नाड़े। ई बाड़ा या विदा बोल लग रहे हैं, शायद विदा होने लग रही है, और उसके मैं गलत भी बोल रही हूँ क्योंकि कई बार दिमाग में तो निकल जाए चीज़, मतलब जो लड़की तो दिया करें सारा वो पढ़िया करें पर्चे पर लिखा हुआ है, और परस मंदिर मतलब कई चीज़ें के पैसे हुए हैं जैसे बरातियाँ के हुए हैं, तो वो 100-100 रुपये जेब खर्च क्यों क्यों गालने के क्यों क्यों थान के 10 रुपये पर बराती और यहाँ बस सब कितना ध्यान था, मतलब पूरा ध्यान ला रहे हैं, पूरा ध्यान ला के सुन लाग रहे हैं, और ये जो पैसे रख के दिया करें वो है, और ये हमारी मतलब उस साइड के ताऊ लग गए हैं हमारे जो चार दादे हैं उनमें थे, और ये इस साइड मतलब परिवार में ही पड़ा है, सरपंच थे ये उस टाइम पे। तो वो तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो कुछ क्लिप रह गई हैं अगर इसमें मैं ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इबे तो जो जुआरी करा करें मतलब वो रह रही है, मारे साथ भी सब ने जो फोटो खिंचवाए थे विदाई रह रही है, फिर आगे गए थे सांसरे वो जो सारी क्लिप हैं वो रह रही हैं, तो वो भी ज़रूर देखियो आप लोग, क्योंकि ना इनमें मैं ज़्यादा कट नहीं लगाना चाहूँगी, खैर कट तो बहुत ज़्यादा लगे हैं फिर भी ये कि चार पार्ट तो देखो बनाएंगे, तो एक पार्ट कल वाला भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें। और किसा लगे वीडियो ज़रूर बताइयो कमेंट करके, और वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो भैया मेरे नाना बैठे हैं चश्मिया वाले, इधर जान दोगे आप नाना ने, तो ये बड़े मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं जो नरवाने वाले हैं, मतलब ज़्यादातर जो जिम्मेवारी है इन दो बंदियां ने संभाल रखी थी, लेना देना करना धरना, मतलब जैसे हमारा सामान था सारे जो मौसी काका है उन्होंने मतलब नरवाना ही लिया था। तो चलो इस वीडियो का कर दें भी यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।